अतिथि शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले लिंक खुलने में परेशानी हो रही थी, तो अब जब लिंक खुली तो चॉइस फिलिंग के लिए साइट पर स्कूलों के नाम ही नहीं है। सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होना है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑनलाइन चॉइस फिलिंग के लिए 23 जुलाई तक का समय दिया गया है, लेकिन विसंगति यह है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए स्कूलों के नाम साइट पर उपलब्ध नहीं होने के कारण आवेदकों को परेशान होना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए ग्राम पिपलोदा सागोती माता में संचालित होने वाले हाई सेकेंडरी स्कूल का नाम चॉइस फिलिंग में सामने नहीं आ रहा। ऐसे दर्जन स्कूल हैं जहां पर सालों से अतिथि शिक्षक पढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके नाम शामिल नहीं हैं। मामले में आइए बात करते हैं अतिथि शिक्षक के आवेदक विजय सिंह से। ये गेस्ट फैकल्टी की जो चॉइस फिलिंग चल रही है जी, इसमें हमारे विद्यालय का नाम नहीं आ रहा, उसको लेकर आपकी क्या मांग है या क्या आप कहना चाहते हैं इस विषय को लेकर? हम यही कहना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों से हम अतिथि शिक्षक में कार्यरत हैं और हमारा रिजल्ट भी 100% रहा है और सर्वश्रेष्ठ रहा। पिछले वर्ष का रिजल्ट भी हमारा जो है कॉमर्स का 13 बच्चे थे और 13 के 13 ही फर्स्ट क्लास हैं। रोल खुर्द में कॉमर्स के अतिथि शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ। और जैसे चॉइस फिलिंग की जो बात है, तो चॉइस फिलिंग में स्कूल का नाम नहीं आ रहा, तो ये इस प्रकार की विसंगतियाँ बहुत आ रही हैं। कई जगह पर मतलब सब्जेक्ट है, स्कूल का नाम पोर्टल पे नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार की विसंगतियों को दूर करने के लिए मैं आज आपसे रूबरू हूँ।